नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज रिपब्लिक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिगलीपुर पुलिस स्टेशन के सामने और यहाँ से मैं आपको जानकारी देने का कोशिश करूंगा। सूरज मजूमदार और गुल्लू एक ही आदमी है और जो लगातार चोरियों का केस में अंजाम देते आया और अंजाम देते हुए काफी घर को निशाना बनाया और 8 से 9 केस का आरोपी है इस वक्त जो बताया जा रहा है। और ये लगातार पुलिस को चकमा देकर भी भागने में कामयाब हो रही है और एक हफ्ता से उन्हें ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। एक हफ्ता से तकरीबन उन्हें ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसको ढूंढ नहीं पा रहे और वो एक के बाद एक चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्लीपुर के निवासी है और बताना चाहूंगा ये व्यक्ति जो है राधा गोविंद मंदिर का आस पड़ोस में रहते हैं, ये जगह से रहते हैं और पुलिस ने लगातार इसे पकड़ते हैं और कोर्ट तक लेके जाते हैं और बहुत ही आसानी से जो है कोर्ट से छूट जाते हैं। गुल्लू नाम का जो व्यक्ति है चोरी का मामला जो लगातार सामने आ रहा है। सूत्रों का ये कहना है 7 से 8 केस में जो आरोपी है ये सूरज मजूमदार जो गुल्लू नाम से जानते हैं लोग और ये जो है लगातार जो है एक एक चोरी को अंजाम दिया जा रहा है और कोर्ट में जब पेशी करते हैं पुलिस तो बहुत आसानी से छूट जाते हैं और फिर और एक बार नया चोरी का अंजाम देने का कोशिश में रहते हैं। और इस बार बता रहे 7-8 दिन से जो है पुलिस लगातार ढूंढ रही है गुल्लू को और गुल्लू कहीं ना कहीं पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो रही है इस वक्त जो बड़ी खबर है। अभी कल जो देखा है दुर्गापुर क्षेत्र में खबर मिला और वहां पे पुलिस एक टीम बनाकर ढूंढने का कोशिश कर रहे थे और वहां पे ढूंढ नहीं पाया और कई और जगह में चले गए रात को और ये सामने आया रात को फिर किसी और घर को निशाना बनाया और उस घर में जो है घुसे है वो गुल्लू लेकिन फिर से वहां से भागने में कामयाब हो गई और अभी भी गुल्लू को ढूंढने का कोशिश पुलिस प्रशासन की अभी भी जारी चल रहा है। डिगलीपुर थाना का बता रहा हूँ कोशिश चल रहा है और गुल्लू को अभी तक आता पता नहीं है, ढूंढ के अभी तक ला नहीं पा रहे और यहाँ से जब कोर्ट में ले गया कोर्ट से आसानी से छूट जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर ये आसानी से छूट जाएंगे और यहाँ में डिगलीपुर में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल हो रहा है, लोग डर रहे हैं क्योंकि घर से कहीं ना कहीं गुल्लू आएंगे चोरी करके लेके जाएंगे, इस तरह एक डर का माहौल जो है डिगलीपुर क्षेत्र में हो रही है। काफी लोगों ने हमें कॉल किया बता रहे ये गुल्लू बार बार क्यों छूट रहे कोर्ट से यार, कोर्ट बार बार छोड़ दिया जाता है और हमारा घर को निशाना बनाता है, हमें डर लगता है और मेरा घर में कब निशाना बनाएंगे, इस तरह चीज है बार बार मुझे कॉल करके बताया जा रहा है और इसलिए आज एक ये बात उठाने का जरूरी हो गई। बता रहा हूँ ये भी गुल्लू बार बार जो छूट के बाहर आ रही है और एक के बाद एक केस को अंजाम दिया जा रहा है, जो चोरी का मामला सामने आ रहा है लगातार। जो हम कहना चाहता हूँ न्यायपालिका को कहना चाहता हूँ कि इस केस को उस पर अलग से देखिए क्योंकि 7-8 केस अरे आ रहे हैं लगातार, उसका नाम है जो आरोपी है केस में वो लगातार चोरियों का मामले को अंजाम दिया जा रहा है। तो मैं विदा लेता हूँ फिर मिलेंगे इसी विषय में, जुड़े रहेगा न्यूज रिपब्लिक अंदामन के साथ। धन्यवाद।